कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन में जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर झुंझुनू जिला देश में संक्रमण के मामलों में हॉट जिलों में शामिल है, जहां इसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत समझी जा रही है। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान के नेतृत्व में प्रशासन भी जुटा हुआ है, लेकिन हो सकता है शायद उनके प्रयासों में कुछ चूक रही हो, जिसके कारण कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। झुंझुनू जिले में एक दिन में कोरोना के 8 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद झुंझुनू जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। तो एक साथ एक दिन में 8 पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसी के चलते झुंझुनू जिले की चारों तरफ की सीमाएं सील कर दी गई है। विशेषकर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड इलाके में, जो हरियाणा का सीमावर्ती इलाका है, सूरजगढ़ उपखंड के सूरजगढ़ व पिलानी थाने की हरियाणा सीमा से लगते स्थानों पर दर्जन भर चौकियां स्थापित कर दी गई। चौकियों पर पुलिस कर्मियों के साथ मेडिकल टीमों को लगाकर उनकी निगरानी के निर्देश दिए गए। उन्हीं चौकियों की हरकत से रूबरू करवाती हमारी खास रिपोर्ट। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके की चौकियों पर जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो वहां की हकीकत देख प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दी। हरियाणा सीमा से लगती पिलोद, कुलोट कला, बलोदा व उरिका की चौकियों पर केवल पुलिसकर्मी ही मौजूद मिले। वहां पर चिकित्सा विभाग के कर्मी नदारत मिले। वहीं कुलोट खुर्द में मिली चौकी पर एक आयुष चिकित्सक मिला, जिसके पास उसकी सुरक्षा के तो दूर जाँच के ही उपकरण नहीं थे। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी आदि स्थानों से जिले में प्रवेश करने का ये मुख्य इलाका है। ऐसे में इन स्थानों पर हो रही इसी प्रकार की लापरवाही कोरोना के संकट के दौर में कहीं आमजन पर भारी न पड़ जाए, इसलिए उपखंड का प्रभार देख रहे अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर, लॉकडाउन के दौरान पूरे बॉर्डर सीज किए गए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसी तैयारियां हैं? डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू का सूरजगढ़ सीमावर्ती थाना, हरियाणा की सीमा जिला भिवानी थाना सतनाली और लुहारू की सीमा हमसे लगती है, तो हमने 5 नाके लगाकर सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन में सीमा सील का आदेश अक्सर से अक्सर पालना हो, और वो किया जा रहा है। तो पिलोद स्टेट हाईवे नाका एकदम कारगर सजगता से चल रहा है। उसके अलावा क्लोट खुर्द और क्लोट उरिका और बलोदा, ये और नाके हैं जिन पे मुस्तैदी से पुलिस काम कर रही है। तो सर, पुलिस टीमों के साथ साथ मौके पे और कौन है? पुलिस टीमों के साथ प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टाफ डेप्यूट किया गया है, और ग्रामीण काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सर, मेडिकल की टीम 24 घंटे के लिए उपलब्ध रही है, ये प्रशासन बताएगा। वो कुछ भी नहीं किया गया अभी तो नहीं, बॉर्डर एरिया है, संवेदनशील एरिया है, बाहर से कोई आएगा तो आप उसकी कैसे जाँच करोगे? अब जांच तो अपने हिसाब से अनुमान से ही होगी, जांच के लिए कोई साधन नहीं है। अनुमान से कौन सी जांच होती है बताइए? अनुमान से जैसे किसी को खांसी आ रही है तो वो दिख रही है, दिखेगा वो दिखने वाला, बुखार तो अनुमान से होगा नहीं, खांसी आ रही है तो वो दिखाई देगी, उसको देख सकते हैं। जुकाम के लक्षण होंगे तो नाक से वो महसूस होगा उसको, बाकी तो और कोई साधन नहीं। तो मैंने ब्लॉक ऑफिस से आया तब से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया, मेरा फ़ोन पिकअप नहीं हुआ।